हेलो गाइस, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करते हुए आपको नए टॉपिक की ओर। अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको हैज़ हैव हैड के यूज़ पढ़ाए, हैज़ टू हैव टू हैड टू का भी यूज़ पढ़ाया, और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको उसी सीरीज़ का है बिल्कुल, और वो है विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़। किसका यूज़? विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़, जो कि बहुत ही आसान है। और ये किस टेंस में यूज होता है? इसका विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ फ्यूचर टेंस में। किस में होता है? फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ होता है। किसका? विल हैव टू और शैल हैव टू, इसका यूज होता है। तो शैल हैव टू किसके साथ लगाते हैं? आई तथा वी के साथ। और विल हैव टू किसके साथ लगाते हैं? बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं अदर्स के साथ, ठीक है। लेकिन कब लगाते हैं? तो इसका जो पहचान होती है, मैं लिख देता हूं आपको कि क्या पहचान होती है, कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? पड़ेगा है? पड़ेगी है? पड़ेंगे आदि शब्द आते हैं। और जब ये शब्द वाक्य के अंत में आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम किसका यूज करेंगे? विल हैव टू और सेल हैव टू का यूज करेंगे। कहने का मतलब जहां मजबूरी होती है, हाँ, जहां मजबूरी प्रदर्शित हो जाए। क्या प्रदर्शित हो जाए? मजबूरी। जब मजबूरी प्रदर्शित हो जाए तो किसका यूज होगा? सेल हैव टू और विल हैव टू का यूज होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, कैसे यूज होता है इसका, एग्जाम्पल भी देते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, अफर्मेटिव में। और स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में विल हैव टू या शैल हैव टू होगा। क्या होगा? विल हैव टू या शैल हैव टू। उसके बाद में फिर क्या होगा? मेन वर्ब जो होती है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स, अन्य शब्द होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे? यू, और यू के साथ किसका यूज होगा? विल हैव टू का, क्योंकि शैल हैव टू का यूज किसके साथ होता है? आई और वी के साथ। तो यू will have to do this work, हाँ, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, मुझे शहर में मकान बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, हाँ? तो किसका यूज होगा? सेल हैव टू और विल हैव टू का, क्योंकि मुझे आई और आई के साथ सेल हैव टू, और बनाने की अंग्रेजी क्या होगी यहां पर? बिल्ड, हाँ, आई सेल हैव टू बिल्ड या कंस्ट्रक्ट, वट एवर यू लाइक, जो भी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग होगा वो। तो मुझे शहर में आई सेल हैव टू बिल्ड और हाउस शहर में, इन द सिटी। नेगेटिव होने पर विल और सेल के बाद नॉट लगा देंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश की है, और लगता है कि आपकी समझ में भी आया होगा। और यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।